हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निषेधाज्ञा में तिरंगा यात्रा निकालने से मालपुरा में फिर बवाल, दुकानें फूकी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ किए गए। तोड़फोड़ के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट की सेवा 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल गुरुवार को कांवड़ यात्रा पर पथराव के बाद मालपुरा के हालात शुक्रवार को एक बार फिर बिगड़ गए। दरअसल पहले से प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर हिंदू संगठन सुबह से ही लामबड़ हो गए। हिंदू जागृति मंत्र के युवा तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर अड़ गए। पुलिस और राजनेताओं के समझाइश और प्रशासन की रोक के बाद भी संगठन से जुड़े कुछ लोग माड़क चौक पर तिरंगा यात्रा लेकर चले गए। इस पर पुलिस ने उनको खदेड़कर भगाया तो इस बात से तैश में आए लोगों ने समुदाय विशेष के क्षेत्र में दुकानों में आग लगा दी। भागते समय सैकड़ों लोगों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात बिगड़ने के बाद कलेक्टर रामचंद्र डेनवाल ने मालपुरा में कर्फ्यू लगा दिया। इसके साथ ही इंटरनेट बैन की अवधि 2 दिन तक बढ़ा दी गई है। जयपुर और टोंक से अतिरिक्त पुलिस मंगवाया गया है। समाचार लिखे जाने तक यहां कर्फ्यू के बाद भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक कन्हैया लाल चौधरी और IG बिजू जॉर्ज जोसेफ मालपुरा में ही कैंप कर रहे हैं। मालपुरा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।